ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रुक करते उत्तराखंड एक्सप्रेस का। राजधानी देहरादून में पहाड़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने पहाड़ी भोजनालय के जरिए देश दुनिया की पहचान बनाने के लिए बीड़ा उठाया। वहीं पहाड़ी भोजनालय के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भोजनालय का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि महिलाओं ने एक बेहतर पहल की है जिससे पहाड़ के देश और दुनिया में जगह मिल पाएगी और यहाँ आने वाले तीर्थयात्री पर्यटकों को भी पहाड़ी भोजन का स्वाद चखने को मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में अन्य शहरों में भी इस तरह के भोजनालय खोले जाएंगे ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ साथ अपने स्थानीय उत्पादकों को आगे बढ़ाने का अवसर मिल पाएगा। 2021 में होने वाले महाकुंभ की तैयारी का दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को सचिवालय में सभी अधिकारियों के साथ महाकुंभ की तैयारियों को समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ के कार्यों में तेजी लाने के लिए जल्द ही स्थायी मेला अधिकारी और मेला पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही कुंभ में होने वाले स्थायी कार्यों को जल्द ही स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि अक्टूबर 2020 तक स्थायी प्रकृति के सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। सीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देशित देते हुए कहा है कि कुंभ कार्यों को गुणवत्ता और पारदर्शिता पूर्ण ध्यान में रखा जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री बनने के बाद हरिद्वार सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पहली बार उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इसके लिए देहरादून से लेकर हरिद्वार तक जबरदस्त तैयारी चल रही है। भाजपा से मीडिया प्रभारी के मुताबिक डॉक्टर निशंक आज जॉलीग्रैंट एयरपोर्ट पहुंचेंगे जहां से वो हरिद्वार में गंगा पूजन और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। फिर शनिवार को बद्री केदार के दर्शन करके बीजेपी कार्यालय जाएंगे। गौरतलब है कि डॉक्टर निशंक राज्य से पहले ऐसे नेता हैं जो सीधे कैबिनेट मंत्री बने। राज्यमंत्री से कैबिनेट मंत्री बनकर मानव संसाधन मंत्रालय संभालने वाले उत्तराखंड मूल के डॉक्टर जोशी और केसी पंत के बाद तीसरे व्यक्ति। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केदारनाथ को डार्क टूरिज्म डेस्टिनेशन पर डेवलप करना चाहती है। इसके लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने तैयारियां शुरू कर दी। सतपाल महाराज का कहना है न्यूयॉर्क के तर्ज पर उत्तराखंड के केदारनाथ को भी डार्क टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जाएगा। बता दें कि जून 2013 में आपदा में केदारनाथ में भीषण तबाही हो गई थी और कई लोग मारे गए थे। इन मारे गए लोगों की याद में स्थान को डार्क टूरिज्म के रूप में तैयार किया जा रहा है जिसको लेकर पर्यटक मंत्री इस डार्क टूरिज्म प्लेस की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। वहीं प्रदेश कांग्रेस पार्टी सरकार के फरमान को गलत ठहरा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि देवभूमि में डार्क टूरिज्म एक नकारात्मक मैसेज होगा। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की समीक्षा बैठक में शिरकत की है। उन्होंने कहा है कि मेला अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने बैठक की है जिसमें सभी अधिकारियों को समय पर सारी व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें स्नान पर्वों पर करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं, इसलिए मेला क्षेत्र में स्नान घाटों का विस्तार करना और लोगों को जाम जैसी स्थिति से न जूझना पड़े उस पर दिशा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जटवाड़ा पुल से हरकी पैड़ी तक घाटों का विस्तार करना और मेले के दौरान हिल बाईपास को खोले रखने की बात कही गई। प्रदेश में प्रदूषण फैला रही 49 फैक्ट्रियों पर जल्द ही ताले लग सकते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शपथ पत्र पेश की जा रही है। प्रदेश में करीब 49 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का पालन कर रही हैं और जिनसे प्रदेश में वायु जल प्रदूषण हो रहा है, इससे लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिए हैं कि प्रदूषण फैला रही सभी कंपनियों को एक सप्ताह के भीतर नोटिस जारी कर दिया जाएगा, नियमानुसार कार्रवाई करें ताकि प्रदूषण फैला रही कंपनियों को बंद किया जा सके। राजधानी देहरादून में मेयर के पद पर कब्जा करने वाले भाजपा के सुनील उनियाल गामा भले ही देहरादून को सुंदर दून स्वच्छ दून बनाने की बात करते हों, लेकिन कुछ पार्षद और जनता उनसे मिलने तक तो तरस रही। यही कारण है कि कुछ पार्षद अपने क्षेत्र की समस्या लेकर मेयर से मिलने पहुंचे तो मेयर देर तक ऑफिस नदारत रही, जिससे पार्षद ने नाराज होकर कहा जब से नए मेयर बनाए गए हैं तब से ऑफिस का कोई समय से काम नहीं हो पाया है। जब भी मेयर मिलने आते हैं तो काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। पत्र देने पर कार्रवाई न करने पर भी आरोप लगा है।
ऋषिकेश में तेजी से चल रही नमामि गंगे परियोजना का जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि नमामि गंगे परियोजना में पूरे देश में 298 प्रोजेक्ट लिए गए हैं, जिसमें 98 काम पूरे हो गए हैं, जिसके तहत ऋषिकेश के मुनि की रेती और लक्कड़घाट के एसटीपीएस का काम काफी तेजी से हो रहा है, जबकि हरिद्वार के दोनों एसटीपीएस का काम पूरा हो कगार पर है। वहीं उन्होंने बताया कि कुंभ आने से पहले गंगा की अविरलता और शुद्धता को संकल्प लिया गया है, उसको भी जल्द पूरा किया जाएगा। प्रदेश में एचआईवी एड्स की रोकथाम के लिए सरकार कई अभियान चला रही है, लेकिन लोगों को जागरूकता की कमी से चलते आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे, जिसकी जानकारी देते हुए एड्स कंट्रोल सोसाइटी के निदेशक ने बताया कि इस मामले को रोकने के लिए अब हम जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं, जिससे इस बीमारी पर लगाम लगाई जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि मौजूदा समय से प्रदेश में स्थिति दोनों एआरटी सेंटरों पर लगभग 4000 के ऊपर एड्स के मरीज इलाज करवा रहे हैं।